सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेन सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी के तहत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महान संविधान की प्रकृति पढ़ेंगे, यानी भारत के संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, भारत के संविधान का नेचर क्या है। नेचर में हम लोग ये देखेंगे कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान है या एकात्मक संविधान। अब संघात्मक और एकात्मक संविधान दुनिया के ढांचा से संबंधित एक विशेषता है। दुनिया में संविधान का जो बंटवारा हुआ है, जो संविधान में विविधता है दुनिया के संविधान में, तो संविधान उनका कहीं एकात्मक है, कहीं उनका संविधान संघात्मक है। तो सबसे पहले अपने इसके तहत हम लोग यही जानने का प्रयत्न करेंगे कि भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है। और सबसे पहले तो हम लोग ये जान ले कि संघात्मक संविधान का मतलब क्या होता है, फिर एकात्मक संविधान का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि भारत के संविधान में संघात्मक लक्षण पाया जाता है या एकात्मक लक्षण पाया जाता है, या संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण पाया जाता है। तो यदि भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण पाया जाता है तो वास्तव में भारत के संविधान की प्रकृति क्या होगी, क्या उसे संघात्मक कहा जाएगा, क्या उसे एकात्मक कहा जाएगा। और फिर दुनिया में जो संविधान है वो या तो संघात्मक है या तो एकात्मक है, तो भारत के संविधान में संघात्मक एकात्मक दोनों के लक्षण कैसे आ जाएंगे। इन सारे चीजों का हम यहां विश्लेषण करेंगे और एक ब्रॉड नॉलेज लेने का प्रयत्न करेंगे। और यह प्रश्न चाहे किसी भी स्तर पे एग्जाम में आए, चाहे कहीं भी, चाहे वो आईएएस के मेंस में हो, चाहे वो यूपीपीसीएस के मेंस में हो, चाहे वो बिहार पीसीएस के मेंस में हो, अगर यह प्रश्न भारतीय संविधान के प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर यह एग्जाम में आ जाता है तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है कि पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसमें आप गणित की तरह नंबर पा सकते हैं। अगर आप अनुच्छेदों के माध्यम से पूरा पॉलिटी लिख डाले, जिन भी विषय को आप बताएं अगर उसका कोई अनुच्छेद है तो आप अनुच्छेद लिख दें, तो आप देखेंगे कि पॉलिटी में आप गणित की तरह नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारत के संविधान की प्रकृति क्या है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के संविधान को, भारत को राज्यों का संघ कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट। दुनिया में संघ का यह ढांचा केवल भारत में है कि भारत में भारत को राज्यों का संघ, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, वह राज्यों का संघ है, ठीक है ना। क्योंकि भारत का जो संघ है वो ना ही अमेरिका के संघ के समान है, जहां संघ का उद्भव 13 राज्यों के समझौते से हुआ, और ना ही भारत का संघ कनाडा के संविधान के तहत संघ के तरह है। भारत का संघ दुनिया का आश्चर्यजनक संघ है, जहां पहले एक राज्य था, फिर उसको विभिन्न विभिन्न राज्यों में बांटा गया, यानी यहां पहले केंद्र था, बाद में उसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत उसको राज्यों में बांटा गया। इसीलिए भारत के संविधान को संघात्मक या एकात्मक न कहके राज्यों का संघ कहा गया। संघात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें केंद्रीय महत्व के जो विषय होते हैं वो संघ के शासन को दिया जाता है, यानी केंद्र के शासन को दिया जाता है, और क्षेत्रीय महत्व के जो विषय हैं वो राज्य के शासन को दिया जाता है,
केंद्रों और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, संविधान सर्वोच्च होता है और न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। अगर ऐसी शासन व्यवस्था होती है तो उसको कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक संविधान। इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच, राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र को दे दिए जाते हैं और क्षेत्रीय और राज्य महत्व के विषय राज्य सरकार को दे दिए जाते हैं। इसको संघात्मक शासन कहते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था या एकात्मक संविधान उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें सारी शक्तियां केंद्र को दे दी जाती है, यानी समस्त शक्तियों का एकमात्र स्रोत केंद्र सरकार हो जाता है और केंद्र से ही राज्य की और क्षेत्र की इकाइयां जो है शक्ति लेती है, यानी यहां वर्चस्व केंद्र का होगा। इसको एकात्मक ढांचा कहते हैं। अब यह देखा जाए कि भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, क्या वह संघात्मक है, क्या वह एकात्मक है। अगर हम ये जानना चाहेंगे तो सबसे पहले देखा जाए कि भारत का संविधान, मैंने आपको बताया, ऐसी परिस्थितियों में बना, भारत का संविधान कुछ ऐसी परिस्थितियों में बना कि हमारे संविधान निर्माताओं, हमारे नीति नियंताओं के समक्ष ये मजबूरी थी कि वो किसी एक ढांचे को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनके लिए ये समस्या था कि ना ही वो पूर्णतः संघात्मक बन सकते थे, क्योंकि देश में विभाजनकारी शक्तियां बहुत तीव्र थी। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर पूरे देश में विभाजनकारी शक्तियां देश को बांटने के लिए, खंडित खंडित करने के लिए तत्पर थी। ऐसे समय में भारत का सरकार, भारतीय संविधान निर्माता या भारत के नीति नियंता भारत के संविधान को पूर्णतः संघात्मक संविधान बनाकर शक्तियों का पूर्ण बंटवारा या शक्तियों का अंतिम स्रोत राज्यों को नहीं दे सकते थे, जैसा कि अमेरिका में है जहां राज्य को ज्यादा महत्व है। भारत की संविधान निर्माता ऐसा नहीं कर सकते थे, न ही वो पूर्ण रूप से एकात्मक संविधान का निर्माण करके सारी शक्ति केंद्र को दे करके राज्यों का अस्तित्व या राज्यों का अस्मिता ही समाप्त कर सकते थे, क्योंकि हर राज्य की अपनी क्षेत्रीय विशेषताएं थी और उन क्षेत्रीय विशेषताओं को संजोए रखना था हमें, तभी विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का जो शाश्वत विचार, शाश्वत जो विशेषता है जो युगों युगों से आ जा रहा है, प्रादेशिक और क्षेत्रीय संस्कृति, उसको समाप्त कर भी नहीं सकते थे एकात्मक राज्य की स्थापना करके। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जिसमें संघात्मक संविधान के भी लक्षण हैं और एकात्मक संविधान के लक्षण हैं। केसी वियर के शब्दों में भारत का संविधान अर्धसंघीय है, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल किस लिए है? क्योंकि इसमें संघात्मक संविधान के भी लक्षण है और इसमें एकात्मक संविधान के लक्षण। आइए हम लोग जानें कि भारत के संविधान के कौन सी विशेषताएं हैं जो उसको संघात्मक संविधान घोषित करती है, और भारत के संविधान के वे कौन से तत्व हैं, कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे एकात्मक संविधान घोषित करते हैं। सबसे पहले लोग जानेंगे कि भारत के संविधान को हम संघात्मक क्यों कहते हैं, या भारत के संविधान में संघात्मक तत्व क्या है, भारत के संविधान में संघात्मक विशेषताएं क्या है। भारतीय संविधान के संघात्मक विशेषता सबसे पहले क्या है कि यहां सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया गया है, संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। दुनिया में अगर कुछ देश के संविधान को देखा जाए तो उस देशों में कुछ अलग अलग सर्वोच्चता को अपनाया गया है। जैसे ब्रिटेन में विधायिका की सर्वोच्चता को अपनाया गया, यानी संसद के सर्वोच्चता को अपनाया गया, ठीक है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, लेकिन भारत में ना ही संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है, ना ही न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, बल्कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत में ना ही न्यायपालिका सर्वोच्च है, ना ही विधायिका सर्वोच्च है, इन सब के ऊपर, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो,
सबके ऊपर कौन बैठता है? संविधान। और संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक संविधान का पहला लक्षण, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने, भारत के नीति नियंताओं ने अपनाया है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। भारत के संविधान ने राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र सरकार को दे दिए हैं और क्षेत्रीय और राज्य महत्व के विषय जो हैं वो राज्य सरकारों को दे दिया है। यानी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में करके भारत का संविधान संघात्मक या संघीय संविधान बन जाता है, क्योंकि यहां शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच है। ये दूसरी विशेषता हो गया। तीसरा, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संघ के इकाइयों के बीच, संघ, ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका ही संघ के इकाइयों के बीच विवाद जो उत्पन्न होता है उनको, उनके बारे में निर्णय देता है, डिसीजन देता है। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना संघीय संविधान के ढांचे का प्रमुख विशेषता है जो भारत में है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जो संघ के इकाइयों के बीच पैदा विवादों को दूर करता है। चौथी विशेषता, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा जो है, जो संसद का दूसरा सदन है, राज्यसभा दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि जो हैं वो केंद्र के में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र में या केंद्रीय ढांचे में, तो इसलिए वो, यानी राज्य को केंद्र में महत्व दिया गया है। ये भी संघीय ढांचा का या संघात्मक संविधान का एक लक्षण है। चौथा लक्षण है कि भारत के संविधान में, संविधान में जो ढांचा है उसमें राज्यों को पूर्णतः महत्व दिया गया है, और ये इतना महत्व दिया गया है कि अगर संविधान में बहुत सारे ऐसे संशोधन हैं संविधान में जिसमें संसद ही संशोधन कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन के बाद हो सकता है। भारत का संविधान संविधान संशोधन का पूर्ण अधिकार संसद को देता है, यानी केंद्रीय ढांचे को देता है, केंद्रीय विधायिका को देता है, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसका संशोधन आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन के बाद हो सकता है। ये राज्य को महत्व देना हुआ। इस प्रकार से भारत का संविधान एक संघीय संविधान बन जाता है या संघात्मक शासन व्यवस्था बन जाता है, या भारत का संविधान संघात्मक प्रकृति का बन जाता है। ये वे विशेषताएं हमने आपको बता दिया जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक है। अब जाना जाए भारत का संविधान एकात्मक कैसे है, ये संघात्मक लक्षण बता दिया। भारत के संविधान में एकात्मक संविधान के बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे इकहरी नागरिकता। दुनिया में जहां भी संघीय ढांचा या संघात्मक शासन व्यवस्था पाया जाता है वहां नागरिकता दो होती है। केंद्र की नागरिकता अलग होती है, जैसे राज्य की नागरिकता अलग होती है, जैसे अमेरिका में। लेकिन भारत में ना ही केंद्र की ना राज्य की नागरिकता नहीं है। यहां कोई बिहार का नागरिक नहीं है, यहां कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है, यहां कोई दक्षिण के किसी राज्य का नागरिक नहीं है। यहां तो केवल एक नागरिकता है, वह है भारत की नागरिकता। तो इकहरी नागरिकता की स्थापना करके भारत के संविधान निर्माताओं ने एकात्मक संविधान के विशेषता को भारत के संविधान में समाहित कर लिया है, पहला लक्षण। दूसरा, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपाल जो है वो राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में होता है और राज्य के शासन व्यवस्था का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वो केंद्र के एजेंट के रूप में केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है राज्य में, और राज्य सरकार को ऐसा कोई कार्य नहीं करने देता है जो केंद्र के विरुद्ध हो या जो संघीय ढांचे को चोट पहुंचा रहा हो।
या एकात्मक शक्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो। तो राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति भी एक प्रकार से एकात्मक संविधान की विशेषता है। तीसरी विशेषता, तीसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता यह है कि राज्य के सीमाओं में, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य के नामों में, राज्य के को विभाजित करके एक नए राज्य के निर्माण में, नए राज्यों की स्थापना करने में, नए राज्यों के प्रवेश करने में, चाहे वो अनुच्छेद 2 हो चाहे वो अनुच्छेद 3 हो, इस संबंध में अधिकार राज्यों को नहीं है, इस संबंध में अधिकार केंद्र को है। अर्थात यदि बिहार के सीमा को परिवर्तित करना है तो यह शक्ति बिहार के पास नहीं है, यह शक्ति केंद्रीय संसद के पास है। अनुच्छेद 3, अगर किसी नए राज्य को प्रवेश देना है भारत में, जैसे सिक्किम को दिया गया, तो यह भी अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यानी राज्य के सीमाओं में, राज्य के नाम में, राज्य के क्षेत्र में, या नए राज्य की स्थापना करने में, या नए राज्यों को प्रवेश देने में अधिकार किसके पास है? केंद्रीय विधायिका के पास। और यह अधिकार अमेरिका में राज्यों के पास है। यह एकात्मक संविधान का लक्षण है कि है राज्य की सीमाएं परिवर्तित करेगा केंद्र। मैंने आपको एक बात बताऊं, हमारे संविधान निर्माता इतिहास से सीख ले रहे थे। हमारे संविधान निर्माता ये जान रहे थे कि जब जब केंद्रीय शक्ति हमारे देश में कमजोर हुआ है, विदेशी आक्रमणकारी भारत पे भयानक आक्रमण करके भारत को जम कर लूटे, इसलिए भले ही राज्य की शक्तियां थोड़ी बहुत कमजोर हो जाएं, लेकिन केंद्र कमजोर ना हो। हमारे संविधान निर्माता यही देख रहे हैं कि राज्य थोड़ी बहुत भले ही उनकी शक्तियां कमजोर हो जाएं, लेकिन केंद्र शक्ति कभी कमजोर ना। हमारे संविधान निर्माता इतिहास से सीख ले रहे थे। उन्हें मालूम था कि जब भारत में मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ था, सेलुकस अपने पूरे बाहुबल के साथ भारत पर अटैक आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य जैसी महाशक्ति ने सेलुकस को धूल चटा दी। भारत में गुप्तों का साम्राज्य था, हूण जिन्होंने रोम को जला दिया था, उन हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरीके से पराजित किया। हमारे संविधान निर्माता इस बात को जान रहे थे, वो इस बात को समझ रहे थे कि जब जब हमारा केंद्रीय शक्ति कमजोर हुआ है, तब तब हम लोगों पर भयानक आक्रमण हुआ, केंद्र को कमजोर नहीं होने दे, और यही उन्होंने किया। इसलिए अगर आपके भारत के संविधान में संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं, तो वो हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी, वो हमारे संविधान निर्माताओं की विलक्षण प्रतिभा थी। जो लोग ये कहते हैं कि भारत के संविधान में कोई मौलिक विशेषता नहीं, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि भारत के संविधान निर्माता अपने इतिहास से सीख लेकर बहुत चीजों को भारत के संविधान में समाहित किया है, इसीलिए दुनिया का सबसे महान संविधान बनकर तैयार है। यही कारण है, चाहे वो केंद्र, चाहे वो राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, चाहे वो राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करना हो, चाहे नए राज्यों को स्थापना करना हो, अनुच्छेद 2 और 3 ये दोनों केंद्रीय संसद को ही दिया। इसके अलावा आपातकाल के जो उपबंध हैं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, मैंने आपको बताया अगर आपने अनुच्छेदों को लेकर एग्जाम में लिख दिया, पॉलिटी में खासकर, क्योंकि पॉलिटी में ही आपका अनुच्छेद है, तो अगर आपने पॉलिटी को अनुच्छेदों के माध्यम से लिख दिया, आप गणित के तरह नंबर पाएंगे। और मैंने आपको देखिए, मैं हर जगह अनुच्छेद आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 आपातकाल के जो तीन प्रावधान है भारत के संविधान में, इसमें लगभग लगभग शक्ति किसके पास आ जाती है? केंद्र सरकार के पास।
जो एकात्मक संविधान के लक्षण या विशेषता को इंगित करता है। इसके अलावा भारत के संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जो राज्य के विधेयकों को पारित होने में केंद्र सरकार को भी शक्ति देते हैं। जैसे अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 201 यह कहता है कि राज्य सरकार अगर कोई ऐसा विधेयक पारित करता है जो संघीय ढांचे को डिस्टर्ब करता है या संघीय ढांचे को खंडित करता है या केंद्र की शक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करता है। और यही नहीं, अगर राष्ट्रपति ने एक बार इस विधेयक को इनकार कर दिया, दोबारा अगर वो विधेयक पारित होकर फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ पहुंचता है और अगर दोबारा राष्ट्रपति ने उस विधेयक को इनकार कर दिया तो उस विधेयक का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों के किसी विधेयक को पारित होना संभव बना सकती है। अनुच्छेद 200-201 इस बात को बता रहा। तो मैंने आपको बताया कि आप जब भी एग्जाम में लिखिए थोड़ी सा आप भाव में लिखिए। एग्जामिनर यह भी जानना चाहता है कि विषय के साथ आपका कितना पकड़ है, कितना लगाव है। किसी भी विषय को लिखते समय केवल आप उनको निर्जीव शब्दों या अक्षरों के उच्चारण में मत लिखें, आप उनको ऐसे भी लिखें कि आपका उसमें भाव झलके। जब आप ऐसा लेखन करेंगे तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको नंबर देने के। आप इस विधि का प्रयोग करें एग्जाम में लेखन के लिए। आप पूरे मनोयोग से उत्तर लिखें, बिल्कुल शुष्क उत्तर, निर्जीव उत्तर ना लिखें। आपके उत्तर जीवंत तो होने चाहिए। जिन परिस्थितियों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, प्रश्नबद्ध किया गया है, प्रश्न के रूप में दिया गया है, आप उन परिस्थितियों को वहां साकार कर दीजिए लिखते समय। फिर देखिए एग्जामिनर नंबर कैसे नहीं देता। आपको भाव कई आप भाव बिगोर होकर लिखना, भले आप पॉलिटी लिख रहे हैं, भले आप इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन उत्तर आपके जीवंत तो होने चाहिए। आप देखिए कभी भी आप ऐसा लेखन करके देखिए, आपका नंबर निश्चित बहुत ज्यादा आएगा। समस्या तो यह है कि समय बहुत कम हो गया है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए जो सटीक उत्तर लिखता है भले उसके पास समय कम है, भले उसके पास शब्द कम है, लेकिन उत्तर का झलक उसमें आ जाता है सटीक उत्तर। कोशिश करिए कुछ ही बात आप बताएं एग्जामिनर को, लेकिन आपके पूर्णतः मनोयोग का झलक उसमें आ जाए, फिर देखिए नंबर मिल जाए। तो अनुच्छेद 352, 356, 360। इसके अलावा अवशिष्ट विधायी शक्तियां, ऐसी शक्तियां जो न केंद्र सूची में है, न राज्य सूची में है और ना ही वो समवर्ती सूची में है, उनको अवशिष्ट विधायी शक्तियां कहते हैं। अनुच्छेद 248। अवशिष्ट विधायी शक्तियां अन्य जगह राज्यों के पास है, लेकिन भारत के संविधान में किसके पास है? केंद्र के पास। यह भी किसको बता रहा है? भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण, ठीक है ना। तो आपने ये देखा, चाहे इकहरी नागरिकता हो, चाहे न्यायपालिका का एकीकृत स्वरूप हो, चाहे वो राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को आरक्षित करना हो, चाहे वो राज्यपाल की नियुक्ति हो, चाहे वो सीमाओं में, राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन हो, इन समस्त विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण। इस प्रकार से आप लोगों ने यह देख लिया कि भारत के संविधान में संघात्मक संविधान के भी लक्षण हैं और भारत के संविधान में एकात्मक संविधान के लक्षण। यही कारण है केसी वियर जैसे लोगों का यह कहना है कि भारत का संविधान न ही पूर्णतः संघात्मक है, न ही पूर्णतः एकात्मक है, बल्कि यह अर्ध संघीय है, क्वासी फेडरल है। भारत का संविधान शरीर से तो संघात्मक है, लेकिन आत्मा से क्या है? एकात्मक है। भारत का संविधान शरीर से तो संघात्मक है,
लेकिन आत्मा से क्या है, एक आत्मा। आज मैंने आपको भारत के संविधान की प्रकृति पढ़ाया, उम्मीद है कि आप लोगों का इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो लोग आज तक नहीं समझ पाए होंगे वो भी समझे होंगे। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि आप कहां तक संतुष्ट हैं। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।